नोटिस की जानकारी हमें कल प्राप्त हुई है रात में। नोटिस अभी ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला यह है कि 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, सब जान रहे हैं, तो एक्यूज को सर्व करवाना चाहिए था। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं, इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। नोटिस जब तक एक्यूज को मिलेगी नहीं, जेल में उनसे मिलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जेल से उनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। आप समझिए मीडिया बंधु, आप समझिए कि सिर्फ 23 आदमी के खिलाफ क्यों? क्या जिला प्रशासन इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि इस 23 के अलावा कोई इंक्रोचमेंट और नहीं हुआ है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर कहा है कि गाइडलाइन बनाई है और कहा है कि तोड़ना चाहिए, बिल्कुल हम इसके सपोर्ट में है, तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या इस पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? जो आदमी जेल में है, उसका घर लूट लिया गया है, उसको अपने दस्तावेज पेश करने हैं, वो अपना दस्तावेज कैसे पेश करेगा जब आप सही समय नहीं देंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप उचित समय दीजिए, उसका पक्ष सुनिए, उसके बाद आप उसको धराशाही करिए। इस पर कोई रोक नहीं लगाना चाहता है, सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें, अपना पक्ष रखने का मौका दें और जो कानूनी कार्रवाई है उसको करने दिया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा। अभी हमारी कुछ अपने सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से बातचीत चल रही है। अभी अभी हमारे कुछ पैनल के लोग बता रहे हैं कि जनाब कपिल सिब्बल साहब से दोपहर में बात होगी और जो रिट वहां सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसमें इसको कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है, तैयारी चल रही है और जल्द ही इसकी हम जो है आपको जानकारी देंगे। हम जिला प्रशासन को आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि इस मामले में हमें अपना पक्ष रखने का अवसर दें। लोग जेलों में बंद हैं, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उनको अपना अवसर नहीं देंगे तो इसका मतलब आप गैरकानूनी तरीके से जबरदस्ती गलत भवन गिरा देना चाहते हैं, उसको पक्ष रखने नहीं देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं उसको पक्ष रखने का मौका दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मैं संपर्क में मेरे पैनल लोग के लोग हैं और मुझे माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि वहां से न्याय मिलेगा। मैं चाहता हूं मुझे अगर पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा तो भवन शायद न गिरेगा।